निशा, ये तरुण तुम्हारे कान भर रहा है यार। तो क्या तुम कल रात उस प्रीति के साथ ब्लू मून होटल में नहीं थे? तुम्हारे बर्थडे की सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था, गॉड डैम इट। और तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो होटल मैनेजर को कॉल करके पूछ लो। तुम अच्छा, आई एम सॉरी ना बाबा, अब स्माइल तो कर दो। अच्छा फिर थी कि तुमने तरुण को होटल में आते हुए देख लिया था, और हमने ये झूठी कहानी भी कर दी। और पता है क्या हुआ, निशा उल्टा मुझसे ही माफी मांगने लगी। हाँ यार श्योर, कल मिलता हूँ ना मुझसे पक्का। जब इंसान अपने निजी गुस्से और बदले की भावनाओं में बहकर नियति को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, प्रतिकार की भावना से दूसरों को हानि पहुंचाता है, तो एक अपराधी जन्म लेता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये केस पुलिस के सामने एक अजीब चुनौती था, जिसका चौंका देने वाला सच और परिणाम उनके सामने और बड़े सवाल खड़े कर देने वाला था। यार बारूल बंद करो ना, ये पागल है क्या? सुबह 3 बजे आके सो जाऊं ना, फिर भी सुबह सुबह घंटी लेके शुरू हो जाती है। भाभी से सीख कुछ, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, एक तू है, डेली सब की तरह पूरा घर सर पे उठा लेती है सुबह सुबह। निकल यहां से, चल मेरे घर में नहीं रहेगा, चल निकल। क्या हल्ला मचा रखा भैया, मेरा दिमाग खराब हो गया, इसको समझा समझा के मैं थक गया हूं, इसका रोज का नाटक हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। निकल, शादी हुई मेरी इसकी, जैसे औरत को मैं अपने घर का नौकर भी नहीं बनाऊं। बे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जा यहां से। लेकिन पारुल मैंने किया क्या है? मैंने कहा ना तू जा यहां से, प्रकाश। आप रात का खाना तो खाकर ही जाएंगे ना? हाँ जाएंगे, मतलब कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर नहीं, पार्टनरशिप फाइनल होने जा रही है, काम तो बढ़ेगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि शुक्ला महादेव मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाऊं। और चाय लेंगे क्या? भैया भाभी को कार से ऑफिस लेके जाइए, मैं बाइक लेके जाऊँ। मानव रात से घर नहीं लौटा है, उसके दोस्तों से बात हुई तुम्हारी? मानव ने मुझे अपने किसी भी दोस्तों से नहीं मिलवाया, उनके किसी भी दोस्त का नंबर नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पारुल तुम टेंशन मत लो, मेरे पास मानव के 2-3 दोस्तों के नंबर हैं, मैं फोन करके पता करता हूँ। पर मैं भी यहाँ ग्वालियर से निकल चुका हूँ, 3-4 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। वो मानव के 4-5 दोस्तों से बात कर रहे हैं, अभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उनको कुछ नहीं होगा। मानव को, मानव मिल जाए जल्दी, ठीक है? तू चिंता मत।
शर्मा, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक रवि की लाश की तरह। नहीं शर्मा, इसकी बॉडी रवि से ज्यादा डिकम्पोज्ड है और पोजीशन भी चेंज है। आपको लग रहा है कि इसे रवि से पहले मारा गया? अभी कुछ नहीं कह सकते, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक वालों को बोलो पूरा एरिया स्कैन कर दें। उनको पर्सनली रिक्वेस्ट करो कि हर छोटी से छोटी डिटेल्स को ध्यान से देखें। पिछले क्राइम सीन से हमें कुछ नहीं मिला था, हो सकता है यहाँ से कुछ मिले। कातिल चुप नहीं रहने वाला, इससे पहले कि वो अपने अगले शिकार तक पहुंचे हमें वहां तक पहुंचना है। अनिका, अनिका आई एम होम। ढूंढो तो जानो। अच्छा अनिका, टर्न बैक। एंटर प्लीज। अनिका, वॉश बेसिन। हेलो पापा। सर ये मेरे भाई मानव की फोटो है, इसके पीछे उसके भाई का नंबर भी लिखा है और सर ये उसकी डिटेल है। सर प्लीज मेरे भाई मानव को ढूंढ लीजिए, हम सब लोग उसके लिए बहुत परेशान हैं। देखिए जैसा कि आपने बताया कि आपका भाई अपनी शादीशुदा जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं था, इसलिए ये भी हो सकता है कि वो खुद ही कहीं चला गया हो। लेकिन फिर भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोग घर जाइए, हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम इन्फॉर्म करते हैं आपको। जी सर। चेक करो कौन कौन आया था, तब तक मैं टीम को लेकर ऊपर जाता हूँ, आप भी चलो। सर वो थर्ड फ्लोर वाली स्मिता का कॉल आया था और हमने तुरंत बेल बजाई। लेकिन सर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, हमने आवाज भी दी पर अभी फोन नहीं उठा रही है। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चुपचाप तिजोरी की चाबी मेरे हवाले कर दो। वैसे हाँ ये क्राइम शो देख देख के आप भी बहुत सतर्क हो गई हो। हाँ वो तो है, पर तेरी आहट तो मैं आंख बंद करके पहचान सकती हूँ, तो मेरी बेटी जो है। ओ मासी, भूल जाओ उसे, उसे याद करके कोई फायदा नहीं। 2 साल की थी जब दीदी और जीजू की मौत हो गई, तब से हमने उसे पाला है, हम ही उसके माँ बाप हैं, ऐसे कैसे भूल जाए। जैसे वो हमें भूल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जय की मौत 2.5 हफ्ते पहले 28 अप्रैल को रात 8 से 12 के बीच हुई थी। और गला काटने के लिए किलर ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था। और जो रस्सी इस्तेमाल हुई थी वो नारियल से बनी हुई कॉयर रोप थी। बॉडी पे कोई डीएनए ट्रेस मिला क्या? नहीं मैडम, बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी, पर हाँ पेट में अनडाइजेस्टेड ब्रसेल्स स्प्राउट्स के ट्रेसेस मिले। जय की वाइफ अनिका बता रही थी कि जय को ब्रसेल्स स्प्राउट्स सलाद काफी पसंद था। ब्रसेल्स स्प्राउट्स काफी फैंसी फूड है, डाउट है कि इंदौर के किसी रेस्टोरेंट में मिलता भी होगा। मुझे लगता है शर्मा तुम्हें शहर के बाकी सभी रेस्टोरेंट से बात करनी पड़ेगी। ओके मैम। जय आर्किटेक्ट और अभी कॉलेज स्टूडेंट, इन दोनों का आपस में क्या लिंक हो सकता है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला मैडम, पर इनके घर वालों से और दोस्तों से बात की जा रही है। 3 शू मार्क्स मिले हैं ना,
6, 7, 8 समथिंग। रैंडम भी हो सकते हैं, वैसे सारे मार्क्स को ट्रैक कर रहे हैं। ये अपने पति के तकिए के नीचे रख देना, वो हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा, पहले से भी और ज्यादा। जा, तेरा भला होगा। मैं बस कपड़े चेंज करने ही वाली हूँ। बहुत बोलती हो यार तुम, बहुत सुंदर लग रही है पारुल। तुम कहाँ छुपा के रखा था इस अवतार को? बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है भैया। भैया देखो ना कितना खून बह रहा है। नहीं 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 क्या 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 हुआ आपको, क्या हुआ? वो मानव, मानव था, मानव था। कहाँ है मानव? यही था, उसके सर पे वो चोट लगी थी, खून मौसा जी। ये जात पात क्या होता है? वो अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, फिर भी। लेकिन उसके माँ बाप का क्या, वो राजी है इस रिश्ते के लिए? उसने बताया तुम्हारे बारे में उन्हें? नहीं मासी, लेकिन जरूर बता देगा। आपको पता है उससे, वो मुझे बहुत प्यार करता है, जो उस पर पूरा भरोसा है। हम दोनों 2 साल से साथ हैं और अब शादी करना चाहते हैं। हमारी शादी प्रदीप गंगवार से होगी, जिसे हमने पसंद किया है तुम्हारे लिए। आप दोनों मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप दोनों मेरे माँ बाप नहीं हो। अगर तूने उसके साथ कोई रिश्ता रखा तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। कैसी बातें कर रहे हो? अभी नहीं भूल सकती। राजीव रोको उसे। आठ मई जिस दिन से मानव मिसिंग है, उस दिन रात को मानव ने अपने बैंक अकाउंट से 10:25 पर 1,00,000 रुपए विड्रॉ किए थे और 4 दिन पहले से हर रोज 1,00,000 रुपए निकाले गए। यानी कि मानव ने गायब होने से पहले अपने बैंक अकाउंट से पूरे 5,00,000 रुपए विड्रॉ किए थे। लेकिन मानव को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं? मैं नहीं मानता, क्योंकि मानव के नंबर पर लास्ट कॉल किसी सलमा खान के नंबर से आया था, वो भी 8 मई को रात में 10:07। आ बैठो। सलमा का फोन भी बंद है और गायब होने से पहले दोनों की मोबाइल लोकेशन सेम थी और पिछले 4 महीने से मानव और सलमा की लगातार बातचीत चल रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और सलमा ने अपनी दोस्त को खुद बताया है कि वो किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ भागने वाली है। नहीं,
नहीं, वो कोई नहीं है प्रकाश, यहाँ से आज यहाँ से आज कुछ नहीं, कोई नहीं। मैडम निशा से बात, उसने बताया कि 5 मई यानी जिस दिन रवि का मर्डर हुआ था उस दिन रवि और निशा अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए द्वारकापुरी वाले तामचीज रेस्टोरेंट गए थे और वहीं रवि ने ब्रसेल्स स्पॉट्स भी खाए थे। तामचीज, अनिका से बात करके पूछो, जय वहाँ जाता था क्या? मैडम अनिका को फोन किया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रेगनेंट है, डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने के लिए बात करने के लिए मना किया। तामचीज रेस्टोरेंट में बात हुई क्या? नहीं मैडम, वहाँ भी बात नहीं हुई। शर्मा, अनिका से बात नहीं हो रही, तामचीज में कुछ बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वहाँ जाकर चेक करो कि 28 अप्रैल को जय वहाँ आया था क्या, और अगर आया था तो किसके साथ आया था। वहाँ की CCTV फुटेजेस चेक करो। ओके। गुड नाइट साहब, दोबारा इस तरफ आए तो इस नाचीज को याद से लेकर। प्रकाश को उल्टे सीधे सपने आते हैं, जादू टोना कर रही हो तुम? नहीं नहीं भाभी, ये तो दिव्य जल है, ये इतने परेशान रहते हैं, उन्हें इतने उल्टे सीधे सपने आते हैं, इसलिए मैं ये दिव्य जल छिड़क रही हूँ। ये सब क्या बकवास है पारुल? ये कोई बकवास नहीं है, बहुत शक्तिशाली जल है। मेरा और मानव का रिश्ता भी तो उन्होंने ठीक किया है। भाभी मेरी बात मानो तो, इन्हें भी आप ये जल दो। मुझे इतना फायदा हुआ है, शायद आपको भी हो। अरुण, मेरा इन सब में कोई विश्वास नहीं है।
कई दिनों की चिंता और यातना के बाद आखिरकार मानव के बारे में पता चल गया था। उसे भी बड़ी ही क्रूरता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन अब भी सलमा का कोई अता पता नहीं था। उसके साथ क्या हुआ था? मानव की लाश की बरामदगी के साथ मरे हुए लोगों की गिनती अब 3 की हो चुकी थी। पर क्या ये भयानक मर्डर्स कभी रुकने वाले थे, या फिर आने वाला कल ऐसे ही डर और उदासीनता से भरा हुआ होने वाला था? तो आपके हिसाब से मिस्टर सिंह, मानव के केस में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिला था? मैडम, हम तो इसे एलोपमेंट का केस मानकर ही चल रहे थे। इन मर्डर्स की शुरुआत 28 अप्रैल 2021 को हुई थी। पहला विक्टिम था जय चौहान, उसके बाद दूसरा विक्टिम रवि कुमार, जिसे 5 मई 2021 को मारा गया, और फिर तीसरा विक्टिम मानव कपसे, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके बाद 8 मई 2021 को रात 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई। और इन तीनों विक्टिम्स की एज ग्रुप 20 से 30 के बीच में। मानव की बॉडी को भी फ्रेम किया गया और उसकी बॉडी के पास भी स्माइली बॉल मिला था, जो बाकी के विक्टिम्स के पास मिला था, राइट? वैसे किलर के प्रोफाइल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास मिस्टर सिंह? यही कि वो एडल्ट मेल को टारगेट कर रहा है जिनकी उम्र 20 से 30 या 30 से 40 के बीच में है। किलर का शू साइज 7 नंबर या 8 नंबर रहा होगा। केस को आपको थोड़ा सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था मिस्टर सिंह। एक सीरियल किलर शहर में घूम रहा है, सेम एज ग्रुप के मेल्स को टारगेट कर रहा है, और हम इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं विद जीरो रिजल्ट। वैसे मानव की बॉडी पे इतनी मिट्टी लगी हुई, ऐसे लग रहा है देखकर कि उसे पहले कहीं गाड़ा गया था, फिर वहां से निकाला गया। आसपास में कोई ग्रेव मिला आपको? नहीं मैडम, हमने 5 किलोमीटर तक चेक किया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हम दायरा बढ़ा रहे हैं। प्लीज बढ़ाएं मिस्टर सिंह, और मुझे अपडेट करें। हेलो ऋषभ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो मतलब? अचानक क्या हुआ तुम्हें? नहीं बस ऐसे ही, आई मीन घर पर ही हो ना? हाँ तो इस वक्त बहुत आ रहा हूँ। सिमरन, ड्यूटी के वक्त इस समय मेरी याद आ रही है? मुझ पे प्यार आ रहा है ना? हाँ आ जाता है कभी कभी। प्लीज अपना ध्यान रखना ऋषभ। एक मिनट, तुम उस सीरियल किलर की वजह से बोल रही हो ना? अरे भाई, मुझे कोई भी टारगेट नहीं करेगा, पर तुम उस किलर पे ध्यान दो, ठीक है? आई नो, बाय। ठीक हूँ, तू कैसी है? हाँ कल पैसे पहुँचा दूँगी, अब काम बहुत अच्छा चल रहा है, बॉस बहुत खुश है, मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी, मैनेजर बन जाऊँगी मैं। हाँ ठीक है, मैं अभी फोन रखती हूँ। मैडम, वो जो 4th विक्टिम की डेड बॉडी मिली थी, उसका नाम सरोनी बागची है, लोकल पुलिस स्टेशन में उसका अरेस्ट रिपोर्ट मिला। ये 4th विक्टिम लेडी, अभी तक हमें जो भी डेड बॉडी मिली है वो या तो प्रोफेशनल्स रहे हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स,
एक तो औरत, ऊपर से सेक्स वर्कर। किलर ने अपना टारगेट बदल दिया है या फिर बढ़ा दिया है। इसकी डेड बॉडी के पास भी स्माइली बॉल मिला था क्या? इसकी डेड बॉडी के पास स्माइली बॉल नहीं। तो मैडम, किलर क्या चाहता है को समझ में नहीं आया, और सारे विक्टिम्स में वो कड़ी भी नजर नहीं आ रही। मुझे किसी पर कोई शक नहीं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कोई ऐसी बात जो आपने पहले वाली पुलिस को नहीं बताई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बताया है। मैं क्यों छुपाऊंगी? मैम, सब ठीक था हमारे बीच, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे हम। वैसे आपकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही प्रकाश जी? जी, उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मायके गई है भोपाल। मैडम, ये पड़ोसियों से कुछ अजीब बात पता चली। कापसा परिवार वाले किसी जादू टोने के चक्कर में थे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतने अंधविश्वासी। मैम, ये प्रकाश की बैंक डिटेल्स। हर महीने उसके एटीएम कार्ड से कुछ अजीब ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेदर बेल्ट्स और लिबिडो खरीदा जाता है। मानव ने भी 5 लाख तक का विड्रॉल किया था ना शायद? जी। ये दोनों भाई आखिर ऐसा क्या कर रहे थे? अरे भैया, डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? लड़ जाऊंगा मैं। क्यों लड़ जाएगा? मैं हूं ना तेरे साथ। बस तू अच्छे से चला, बस बस। भैया स्पीड बढ़ रही है, देखो। हाँ तो आराम चला, धीरे धीरे चला। तो स्पीड देखो, स्पीड बढ़ रही है। हाँ कोई बात नहीं, बढ़ने दे, बढ़ने दे। भैया संभाल लेना। हाँ मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। तो चला भैया, स्पीड भैया, 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 भैया। मैंने बोला था आपको। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? तेरा भाई तेरे साथ है ना, तुझे कुछ होने नहीं देगा, समझा? सुन, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, मैं आधी बियर पीऊंगा, पूरी नहीं पीऊंगा। क्यों, पूरी क्यों नहीं? अरे तेरी भाभी को स्मेल आ जाती है। भाई आप एक सच एक बात बताओ, आप भाभी से इतना डरते क्यों? तुझे एक खुशहाल जिंदगी का रहस्य बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, हमेशा अपनी बीवी से डर के रहना, तभी खुश रहेगा, समझा? हंस रहा है? ठीक है, डर के रहूंगा, है ना? जो हमारी गांव की जमीन थी ना, वो मैंने तेरे नाम पे कर दी है। भैया जब जमीन हम दोनों के नाम पे थी तो अकेले मेरे नाम पे क्यों की है? भैया आप कभी कभी ना भूल जाते हो कि मैं आपका भाई हूँ। तेरे में और मेरे में फर्क क्या है? और तू मेरा भाई नहीं है, बेटा है मेरा। आई लव यू भैया, आई लव यू। मर्डर हुआ है 28 अप्रैल को, सेकेंड उसके एक हफ्ते बाद 5 मई को, और तीसरा उसके 3 दिन बाद 8 मई को, और चौथा 4 दिन बाद 12 मई को। यानी कि किलर को खून करने की लत लग चुकी है, वो अपने आप को ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाए, और हमारे पास सबूत के नाम पे कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसी लीड नहीं कि हम उस दिशा में आगे बढ़े, सिवाय इसके कि शायद लेफ्ट हैंडेड। हेलो, क्या? ओके मैडम, मनिका का मिसकैरेज हो गया। इससे पहले भी उसका 2 बार मिसकैरेज हो चुका है ना शायद? हाँ मैडम, और अब पता चला क्यों। टेस्ट रिपोर्ट्स में आया है कि अनिका को सिफिलिस है, यौन संबंधित हो, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। ये जय की वजह से भी तो हो सकता है। एक काम करो शर्मा, तुम उसके प्रिजर्व सैंपल टेस्ट करवाओ, हो सकता है उसके मल्टीपल पार्टनर्स हो जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। एक बार को तो मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। और अगर सच में मैं नहीं आता तो? तो मैं तुम्हारी छोटे 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 टुकड़े करके टॉमी को खिला देती। टॉमी को? मैडम, मानव के ऑफिस से पता चला है कि 8 मई को प्रकाश मानव पर काफी गुस्सा हुआ था। ये दोनों मिलकर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते थे। तूने रायकर के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मना कर दिया मुझसे बिना पूछे?
इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी का टर्नओवर कितना बढ़ सकता था, तूने बर्बाद कर दिया सब। एक बार शांति साहब मेरी बात सुन तो लीजिए। नहीं मानव, तूने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे ये फैसला लेने का कोई हक नहीं था। हक नहीं था? कैसे हक नहीं था भैया? इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होने वाला पैसा हमारी कंपनी का था और इस कंपनी में मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ, पूरा हक है मेरा। पर मैं अपने हिस्से का पैसा उस रायकर जैसे जालसाज इंसान के साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। ये डील करने से पहले आपको एक बार मुझसे पूछना चाहिए था भैया। पैसा, प्रॉपर्टीज, जहाँ कहीं भी ये सब इन्वॉल्व होता है वहाँ पे अक्सर भाइयों में झगड़े हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी ऐसे कुछ हो जो हमारी नजरों से चूक गया। एक काम करो, इस प्रकाश का ना सारा कच्चा चिट्ठा ओपन करो, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, सारे रिकॉर्ड्स, सब कुछ रीचेक करो, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। इस जय को सिफिलिस नाम की बीमारी थी ना। एक काम करो, बाकी के तीनों विक्टिम्स का भी प्रिजर्व सैंपल एसटीडी टेस्ट के लिए भेजो और उनके रिश्तेदारों को भी बोलो कि वो भी अपना टेस्ट करो। ओके मैडम। शर्मा, ये कोई लेटर तो नहीं है? आर एक्स आई टी आर एक्स आई। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि किलर हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ रहा है? लेकिन मैडम ये है क्या, कोई वर्ड लग नहीं रहा, सिंबल समझ में नहीं आ रहे, और ये स्माइल, इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ तो है शर्मा जो फिलहाल हमारी समझ के बाहर। एक काम करो, ये सारे फोटोज ले जाकर इंदौर के साइकोलॉजी के प्रोफेसर को दो, उनसे कहो कि वो हमारी हेल्प करें। आई एम श्योर इन सब से हमें जरूर कोई ना कोई लीड मिलेगी। हाँ जी, वहाँ भोपाल में सब ठीक है? जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं है। प्रकाश, मुझे घर आना है। जया, क्या जिद है ये? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैंने तुम्हें वहाँ तुम्हारी माँ के घर क्यों रहने के लिए बोला है। प्रकाश, भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हें बस जितना कह रहा हूँ ना उतना किया करो। जी बताइए सर। हम यहाँ पुलिस में सरेंडर करने आए। तुम तो सलमा खान हो ना, तुम लोग सरेंडर क्यों करना चाहते हो? मानव का मर्डर तुम लोगों ने किया है। सलमा, क्योंकि तुम्हारे भाई राशिद ने तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई, इसलिए आए हो ना तुम दोनों यहाँ। जी मैडम। मैडम, हम दोनों का धर्म अलग है, हमारे परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। अभी मुझे पता चला है कि मेरे भाई राशिद ने इन पर किडनैपिंग का केस लगाया है, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए मैडम। इससे मानव के केस का क्या संबंध? ये ले भाई, 5 लाख है। जल्द से जल्द ये पैसे तुम्हें लौटा दूंगा मैं। तुम लोग जाओ अच्छे से रहो और अपना घर बसाओ। ये गाड़ी की चाबी ले। तेरी बाइक तो मैं लेके जा रहा हूँ, तू घर कैसे जाएगा? अरे तू मेरा टेंशन मत ले, मेरी सवारी वहाँ वेट कर रही है। उस कार में कौन था? उस कार का नंबर, कलर, मॉडल कुछ याद है? नहीं सर, वो कार बहुत दूर थी, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शायद उस कार का रंग ब्लैक हो सकता है। वैसे ये हुआ कहाँ? दौलतगंज वाली रोड पर। दौलतगंज के आसपास का सीसीटीवी कैमरा चेक करवाओ। बाकी के विक्टिम्स के साथ इस मानव का कोई कनेक्शन? मानव के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं मिला। हाँ, कॉलेज टाइम पे जैक की गर्लफ्रेंड थी त्रिशा, जैन उससे शादी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। ये त्रिशा अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी। इस जय ने तो अनिका से शादी की थी ना, फिर त्रिशा का क्या हुआ? पता नहीं मैडम, उसके मौसा मौसी से बात नहीं हो पा रही है, उनका एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन त्रिशा ने पिछले महीने अपने कॉलेज फ्रेंड से बात की थी। उस कॉलेज फ्रेंड ने त्रिशा का करंट लोकेशन बताया। सिफिलिस मेनिनजाइटिस की वजह से लेफ्ट साइड में स्ट्रोक हो गया। त्रिशा, जय की मौत हो गई और इसी विषय में हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या बोलूं मैं, वो तो मर गया और उसकी वजह से मैं भी मर जाऊंगी। बेटा, जय का मर्डर हुआ है। त्रिशा, ये स्माइली रोका है इसलिए एक्सरसाइज के लिए दिया। ये तुम्हें हॉस्पिटल से दिया गया है या किसी ने ला कर दिया है? मैडम, आपका शक बिल्कुल सही निकला। रवि और सलोनी दोनों को एसटीडी है। रवि को क्लेमीडिया और सलोनी एचआईवी पॉजिटिव है। बस मानव की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मानव को इस विक्टिम पूल से निकाल दें तो? तीन और लेटर बचे हुए हैं शर्मा, त्रिशा में TRI के बाद। इसका मतलब तीन और विक्टिम होने वाले हैं। लेकिन मैडम, त्रिशा का जय के अलावा और किसी से कोई कनेक्शन नहीं? कनेक्शन है रवि से। रवि का एड्रेस मयूर विहार का है। यहाँ तो मैडम, इनकी फैक्ट्री में एक वर्कर है, उसको एड्स हुआ है। वो भी सलोनी का रेगुलर कस्टमर था, वो भी काफी दिनों से मिसिंग है। और मानव? अभी तक मानव का कोई कनेक्शन नहीं मिला जी। ये रस्सी तुम्हारी फैक्ट्री में बनती है जी? ये तुम्हारे घर में लेफ्ट हैंडेड कौन है? मैं हूँ लेफ्ट हैंडेड। त्रिशा के लिए क्या है सब? त्रिशा कहाँ है मेरी चुन? जय को मारने के बाद मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने एक बुरे आदमी का अंत कर दिया था। रवि मेरे मोहल्ले में मेरे घर के पास रहता था। अगर मैं और भी बुरे लोगों को खत्म कर दूंगा शायद भगवान खुश होकर मेरी चुन को बख्श दे। तुम जैसे लोगों की मानसिकता पे ना तरस आता है मुझे। तुझे ये नहीं पता कि सारे सिंड्रोम जानलेवा नहीं होते? अगर उन्हें सही समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए तो ठीक हो सकते। मानव को क्यों मारा? उसका क्या? उसकी रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा था कि उसे कोई एसटीडी, कोई इस तरह के सिंड्रोम से बीमारी नहीं है। मानो को नहीं मारा। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप लोग उसे मेरा विक्टिम समझ रहे हैं, पर ये सच नहीं है। तो क्या सच है? क्या सच है मैडम? जब जय की बॉडी यहाँ मिली थी तो फॉरेंसिक टीम ने अच्छे से देखा था, कहीं कुछ नहीं मिला। अब दोबारा यहाँ चेक करने से कुछ नया मिलना मुश्किल है। इस एरिया को चेक किया था शर्मा? नहीं मैडम, इस एरिया को तो नहीं चेक किया। आगे तो पूरा एम्प्टी प्लॉट है। राज, इस तरफ देखो। ये प्लॉट हमारे क्राइम स्पॉट के बगल में है। यहाँ पे फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट है, बट एक बार नंबर ट्राई करके देखो, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। मैंने पहला मर्डर होते हुए देखा था, वो मेरी ही जमीन है जहां जय जवान को सीरियल किलर ने मारा था। मानव को क्यों मारा? लेकिन मैं आपको बता चुका हूं, मानव को मैंने ही मारा है। जब मैंने मानव का भूत देखा मैं बहुत डर गया था मैम। मुझे लगा मानव का अंतिम संस्कार किया जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वो
सीरियल किलर का पैटर्न कॉपी किया ताकि सबको ये लगे कि मानव को सीरियल किलर ने ही मारा है। इसके अलावा मुझे आपको कुछ भी नहीं कहना है। प्रकाश, ऐसी कौन सी वजह है जो तुम असलियत छुपा रहे हो? उलाइदर बेड लिबिडो क्यों खरीदे थे? सॉरी मैम। अगर मोटिव नहीं मिला ना शर्मा, तो ये केस कोर्ट में होल्ड नहीं कर पाएगा। ये प्रकाश जादू टोने में विश्वास करता है ना? हाँ मैडम। जरा इसके परिवार वालों से पूछो। अरे बाबा! ऐसी रोटी बनाता है तू? ऐसी रोटी बनाता है तू? सॉरी, कल की से रोटी जल गई। बाबा, बाबा नहीं, मानव को मत मारो। बाबा, मानव को मत मारो प्लीज। बाबा, मानव को मत मारो। रोटी मैंने बनाई थी। मैं बनाई थी तो सजा तुझे मिलेगी। प्रकाश की प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब में फर्स्ट ओनर मानव है। प्रकाश के घर के नेम प्लेट पर भी मानव का नाम पहले है। इससे ये तो साबित होता है कि मानव और प्रकाश एक दूसरे की ढाल थे। मुझे नहीं लगता शर्मा कि पैसे या प्रॉपर्टी के चक्कर में प्रकाश मानव को मार सकता है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और, कुछ बड़ा। हेलो, क्या टिकर रिपोर्ट भेजो। क्या हुआ? मैडम, मैंने कब से फैमिली के बारे में एक चेक करवाया था। 11 अप्रैल को जया को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मैडम, व्हाट? जया का रेप हुआ था और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया और कई बार मेरा रेप किया। जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वही सारी रिपोर्ट्स देखकर प्रकाश को सब कुछ पता चल गया। उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। किसने किया था तुम्हारा रेप? मानव, क्या बात है? कुछ चाहिए था? भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। भाभी, मुझे ना आपकी जैसी वाइफ चाहिए थी, जो आपके जैसे सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, घर का पूरा काम अकेले संभाल ले। वो गंवार पारुल से मुझे शादी नहीं करना चाहिए था। मैम प्लीज, मेरी आपसे एक विनती है, आप इस बात को बाहर मत आने दीजिएगा। देखिए, आप खुद भी एक औरत हैं, प्लीज मैम। इसमें जया की क्या गलती थी प्रकाश? जिस बात को बाहर मत आने देने की तुम विनती कर रहे हो ना, उसे दोगले समाज और खोखली इज्जत का डर कहते हैं। तुम चाहते तो पुलिस के पास आ सकते थे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन नहीं। मैं जानता हूं मैम, लेकिन मैम अभी इस समाज को सुधारने में और काफी वक्त लगेगा, तब तक हमें ही संभल के चलना होगा। वो बेचारी पारुल तो जानती भी नहीं है कि उसका पति जो उसे बेल्ट से मारता था वो और कितना नीच था। मैम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं कोर्ट में भी अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं बदलूंगा। मैं वहां भी यही कहूंगा कि मेरे भाई मानव को मैंने ही मारा है। जुर्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो इंसान को कानून अपने हाथ में लेकर मुजरिम की जिंदगी का फैसला करने की इजाजत नहीं देता। अंधविश्वास वो रोग है जो इंसान के सबसे कमजोर वक्त में उसका शिकार करता है और उसके दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हो जाता है कि व्यक्ति आगे कुछ सोच ही नहीं पाता, बस उसी में उलझ कर रह जाता है और कई बार ऐसे जघन्य अपराध कर बैठता है जिनकी कोई माफी नहीं हो सकती। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहनने में ढिलाई ना करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इन सब ने मुझे धोखा दिया है, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, और जब अपने ही धोखा देते हैं तो बस एक ही रास्ता बच जाता है, सबको खत्म करने का, और मैं वही करूंगा, इन सबको खत्म कर दूंगा। एक आम इंसान को चोरी, हेरा फेरी, मारपीट और मर्डर जैसी बातें ही डरा देती हैं। एक आम इंसान जितना हो सके खुद को इन सब कामों से दूर रखता है, पर जब एक आम इंसान हवस, लालच, गुस्से और बदले के प्रभाव में आता है, तब वो क्रिमिनल बन जाता है।
कहाँ गए ये लोग? आज तो संडे, स्कूल भी नहीं होगा। अरे बेटा यहाँ आना। जिया और रोहन कहाँ हैं? अरे अंकल वो तो यहाँ नहीं है और वो काफी दिनों से खेलने नहीं आए। भाभी कैसे हो? अरे विवेक तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना? हाँ वो जिया का बर्थडे आ रहा था ना, तो उसने बहुत जिद की थी, तो इसीलिए सोचा कि उसे सरप्राइज दे दूँ। सपना और बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, मुझे लगा आप क्या आए होंगे। क्या हुआ भाभी? विवेक जब तुम यहाँ नहीं होते हो तो सपना बच्चों को लेके मायके चली जाती है। मायके? अपने पेरेंट्स के यहाँ निर्वारी में? सपना तो, और कब से? ये 1-1.5 साल हो गया है। अभिवेक सपना को कुछ मत बोलना कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है। भाभी जी पत्ता गोभी कितना कर दूं? आधा किलो कर दीजिए। ये डालिया और भिंडी भी ले लीजिए ना भाभी जी। नहीं नहीं भिंडी पसंद नहीं मुझे। अरे भाभी जी आपको तो पसंद है ना, आधा किलो भिंडी दे देता हूँ आपको, ताजी ताजी भिंडी है। तुझे नहीं नहीं बोला ना भिंडी। और ये क्या भाभी जी करता है तू? साले अब मर्दों से बात करने में तेरी जबान टेढ़ी हो जाती है। हाँ भैया वो क्या है ना कि मैं बसी हुई, सॉरी गगन जी जाने दीजिए ना कहीं। और आज तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा कि किसी से बात करने लायक भी छोड़ूंगा। भैया गगन जी पापा, ये पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। कैसे हुआ? अच्छे हैं। पापा आपको हुआ? अभी आया बेटा। अरे बेटा तुम अंदर आओ ना, तुम तो अगले महीने आने वाले। माँ जीजा जी आप आइए ना। नहीं हम निकलते हैं। सपना कहाँ है? वो दीदी तो गई है बाहर सामान लाने गई है। विवेक तुम यहाँ? थोड़ा सरप्राइज विवेक, कैसे हो? सरप्राइज तो तुमने दिया है मुझे। इतनी तैयार होकर कहाँ गई थी? किसके साथ घूम रही थी? कौन था वो? वो तो यही हमारे नेबर हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं। पापा के लिए दवाई लेने गई थी तो वो मिल गए रास्ते में और लिफ्ट दे दी। दवा लेने इतने तैयार होकर, दवा कहाँ है? कहाँ है दवा? वो थी नहीं, आउट ऑफ स्टॉक थी, अभी थोड़ी देर में फिर से जाना है लेने, ऑर्डर दे दिया है तैयार। अरे ये तो निर्मल, तुम्हें बताना चाहिए था ना विवेक को कि हम तुम्हें प्रमोशन मिला और लंच पर गए थे, कौन बताएगा? हाँ मुझे प्रमोशन मिला जीजा जी, अब पता होता आप आ रहे तो हम डिनर पे चलते ना साथ में। अरे बेटा अंदर चलो, बाहर बहुत मच्छर है, आ जाओ। हम चलेंगे, चलो जिया चलो बेटा। अरे ऐसा कोई मारता है किसी को सरेआम? लोगों ने फोन करके मुझे बताया। अरे भाई साहब आपके घर की बहू है मेरी भांजी, इसकी कोई इज्जत है कि नहीं इस घर में? आपको आपके बहू के साथ कोई स्नेह नहीं है? भाई साहब मैंने अपनी बच्ची को इस घर में इसलिए दिया था कि इस घर में वो राज करेगी, खुश रहेगी, लेकिन आपका बेटा तो कभी भी इसके ऊपर हाथ उठा देता है। बंसी भाई साहब गगन का गुस्सा तो आप जानते ही है ना, उसने आज दवाई नहीं ली थी। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, आज मैं उसे खूब डांटूंगा। अरे अब डांटने से क्या होगा भाई साहब, बचपन में उसे डांटा होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। ओ मामा जी बहुत हो गया अब। हाँ ये बेटी आपकी शादी से पहले थी, अब ये हमारी बीवी है, हम जो चाहे वो करें, और पति पत्नी के बीच बोलना अच्छी बात नहीं होती। ए तूने शिकायत किया क्या? नहीं। शट अप, ए, दूर हट जा बहू से। गगन गगन बेटा तूने आज दवाई नहीं ली थी, ये दवाई ले।
बहू इसे अंदर ले जाओ बेटा। चाओ चाओ गगन। बंसी भाई साहब उसकी दवा चालू है इसलिए उसे गुस्सा ज्यादा आता है। अरे गुस्सा आता है तो अपने ऊपर हाथ उठाए ना, मेरी भांजी को क्यों मारता है? और ऐसा करके वो अच्छा नहीं कर रहा है भाई साहब। मामा जी आप घर चली जाइए, मेरी यही किस्मत है, पैदा होते ही माँ बाप को खा गई और आज तक आपका घर नहीं बस पाया, मैं ही मनहूस हूँ। मामा जी ये बहुत अच्छे इंसान है, बस इन्हें कभी कभी गुस्सा आ जाता है। आप मेरी चिंता मत करना मामा जी। कैसे चिंता नहीं करूं बेटा, एक तो हम गरीब हैं और गरीबी सबसे बड़ी मनहूसियत है, ऊपर से तुझे पति राक्षस मिला है। ख्याल रखना मामा जी। मुझे मेरे घर वालों के सामने विलन बना दिया और खुद ने क्या किया, अपने मायके वालों से सुलह कर ली। हाँ यार तुझे बताया नहीं, तुझसे पूछा तक नहीं, 15 साल से मैंने अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा और उसने क्या किया, 1.5 साल से अपने मायके में घूम रही है मुझे बिना बताए, और भी पता नहीं मेरे पीछे से क्या क्या करती होगी। सोच मैं दुबई से इतनी अच्छी जॉब छोड़ के क्यों आया था, मुझे पता लगा कि मेरी बीवी को मुंह मारने की गंदी आदत लग गई थी। अरे इनको अकेला क्या छोड़ दो, आजादी के नाम पे मुंह काला करती फिरती है। मुझे भी यही लगता है साध भाई, इनके लिए वहां से इतने पैसे भेजता हूँ, अकाउंट एकदम खाली का खाली। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा साध भाई, इनके लिए इनसे इतनी दूर रह के इतनी मेहनत करके इनके लिए पैसे कमा के भेजता हूँ और ये क्या करती है, अपने मायके वालों पे उड़ा देती है। आज भी जिया का बर्थडे उसने अपने मायके में प्लान किया, मैंने मना किया तो बोलती है पहले से अरेंज था जी। विवेक मैं तेरी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मुझे भी 2-3 दिन के लिए अपने रिश्तेदार की शादी में लखनऊ जाना है, मैं वापस आता हूँ तो कुछ सोचते हैं। अच्छा सुन मैं आता हूँ। सॉरी भाभी गलती से लग गया ऐसे। सब समझती हूँ मैं तुम्हारी गलती और हाथ लगाना, पहली बार नहीं है ये साथ, मुझसे दूर रहो नहीं तो क्या, नहीं तो विवेक को सब कुछ बता दूंगी। ओहो पति आ गया तो तेवर दिखा रही हो, बोलना मत हो जाएगा भी। वैसे मैं हूँ ऑलवेज एट योर सर्विस। अरे आराम से, तो यहाँ बैठेगा। नहीं तू पापा के पीछे बैठेगी, मैं वहां बैठूंगा, चल। अरे रोहन जिया को बैठने दो आगे, उसका बर्थडे है ना, चलो चलो बेटा चलो चलो अंदर, पैर संभाल के। विवेक कुछ बोलना था तुम्हें। बोलो। साथ इसे दूरी रहा करो, कमीना आदमी है वो बहुत। क्यों जो तेरे खिलाफ बोले वो कमीना हो जाता है, पहले तो तू अपने मायके वाले को भी कमीना कहती थी, मेरा एक दोस्त ही तो बचा है उसे तो रहने दे, अब चलो। Happy birthday to you, happy birthday to you। एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, पता नहीं आप लोगों में से सच में मेरा कोई दोस्त है भी या नहीं, जिसे 15 साल से अपना समझा उसी ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है, मुझे मेरी पत्नी ने धोखा दिया है। उसने कहा था हम दोनों एक दूसरे के हैं बस, तो फिर क्या किया उसने मेरे पीछे से सब। पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, सुंदर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे खिलौने की तरह खेलेगी।
मैं यहाँ बैठ के रो रहा हूँ। लोग क्या कर रहे हैं? मेरी बेवकूफी का जश्न मना। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब बस एक ही रास्ता, इन सबको खत्म करने का, और मैं वही करूंगा। सर, सर एक वीडियो वायरल हुआ है अपने ही मोहल्ले का, ये देखिए। मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है, मुझे मेरी पत्नी ने धोखा दिया है। अब बस एक ही रास्ता है, इन सबको खत्म करने का। इस वीडियो में तो ये आदमी अपनी ही फैमिली को मारने की बात कर रहा है। शर्मा, जल्दी से जल्दी इसका एड्रेस पता करो, या एक काम करो, ब्रॉडबैंड वालों को फोन करो, उनसे इसकी लोकेशन निकलवाओ। सर रात हो गई है, ब्रॉडबैंड ऑफिस तो बंद है। हालांकि मैंने अर्जेंट रिक्वेस्ट डाल दी है और बीट चौकी को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि जहां ये बंदा दिखे उसे पकड़ लें। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि सुबह से पहले कुछ हो पाएगा। कहीं ये रात में ही कुछ कांड ना कर दे। अरे पापा आ गए। बस एक लास्ट वीडियो बना दे। ओके सर, यहीं से आईपी एड्रेस जनरेट हुआ था। हाँ। और मुझे लगता है सर कि वीडियो भी यहीं बनाया होगा, क्योंकि बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सर जीवन साहू के नाम रजिस्टर्ड है, उस पर तो ताला लगा है। ताला तोड़ो। एक बाप अपनी बेटी को इस तरह से कैसे मार सकता है? शर्मा पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या। सर सर पूरा घर अच्छे से चेक किया सर, मोस्टली चीज़ें एज इट इज है। मुझे लगता है कि ये काम उस वीडियो वाले का ही है, हमने पता किया है, विवेक नाम है उसका। सर ये रॉड मिली है और इसमें थोड़ा ब्लड भी है, लगता है यही मर्डर वेपन है। लेकिन इतना सा ब्लड? सर मुझे लगता है कि जो भी कातिल था उसने ब्लड साफ किया है। ये देखिए ना, बॉडीज के पास भी ज़्यादा ब्लड नहीं है और घर भी ऑलमोस्ट साफ ही है, ज़रा सी भी धूल नहीं है। इस विवेक कुमार ने ये सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ किया है। अगर उसकी वीडियो में पहले मिल जाती तो ये सब कुछ नहीं होता, इस क्राइम को हम रोक सकते थे। ये लो, इसे एविडेंस में डालो। सर मच्छर? यस, कभी कभी ऐसा छोटा क्लू भी क्रिमिनल को पकड़ने के काम आता है, और इस घर की हर चीज एविडेंस है। शर्मा हर एक बॉडी के पूरे क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स निकलवाओ, पूरे घर का फॉरेंसिक कराओ, और ये सबके फोन मिले? जी सर। पूजा सारे फोन्स को फॉरेंसिक में भेजो, पता लगाओ कि विवेक का नंबर उसमें है या नहीं, जरूर होगा, उसे ट्रैकिंग पे डालो। जी सर। और शर्मा तुम जरा आसपास पूछताछ करो, और ये भी पता करो कि इस विवेक को कोई मानसिक बीमारी थी क्या, या कोई अफेयर था क्या, क्योंकि यूं ही कोई अपने परिवार को नहीं मारेगा। राइट सर। इसलिए लिहाज कर रहे हैं आपका, याद रखिए। किसी को मारने में हम जरा नहीं सोचते। सर विवेक और सपना तो मेरठ में रहते हैं, ये सपना की माँ का घर है। ये विवेक का ससुराल है? जी सर। इन लोगों की फैमिली में और भी कोई मेंबर है? गीता और जीवन का एक बेटा भी है निर्मल, और वो गाजियाबाद में रहता है। गाजियाबाद? ताला लगा हुआ है। पवन ताला तोड़ो। साइमा क्या हुआ? पुलिस आई है। क्या हुआ?
विवेक, भाभी बच्चे सब ठीक है ना? आप लोग कौन है? सर साहद कुरेशी, ये मेरी बेगम साइमा कुरेशी। सर विवेक का दोस्त हूँ। दोस्त क्या सर, फैमिली ही समझ लीजिए। तो आप लोगों को तो पता होगा कि विवेक कहाँ है। मैडम हुआ क्या है, कुछ तो बताइए, हमें डर लग रहा है। कि आपके दोस्त विवेक ने 4 तारीख को एक वीडियो बनाया था, ये देखिए। मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया है, मुझे मेरी पत्नी ने धोखा दिया है, अब बस एक ही रास्ता है इन सबको खत्म करने का। ये विवेक किस धोखे की बात कर रहा है जानते हैं आप लोग? सर हम 4 तारीख को अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे लखनऊ, बस थोड़ी देर पहले ही लौटे हैं सर। कुछ तो पता होगा ना आप लोगों को, फैमिली फ्रेंड्स थे आप? मैम विवेक बहुत परेशान रहता था। 15 साल पहले विवेक और सपना भाभी की लव मैरिज हुई थी, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स उसे घर से निकाल दिया था। मैं और विवेक मेरठ में साथ में ही काम करते थे और मैंने उसकी मदद की थी यहाँ शिफ्ट होने में। मेरे बाप ने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, लेकिन ये मेरी बहन पागल रिंकी मेरे साथ ही आ गई। लव यू भैया। एनीथिंग फॉर यू। विवेक अब से हम ही एक दूसरे का परिवार है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये विवेक अपनी बहन रिंकी के साथ यहाँ रहता था ना, तो इस वक्त कहाँ है रिंकी? रिंकी दिल्ली में ही है और वो 2 साल से वहीं पे जॉब कर रही है। 6 साल पहले विवेक आपके साथ दुबई गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुबई में उसका किसी के साथ अफेयर हो गया? नहीं सर, जब तक मैं साथ में था तब तक ऐसा कुछ नहीं था। सर 6 साल पहले मेरी और विवेक की दुबई में जॉब लगी थी, मुझे वहाँ का क्लाइमेट पसंद नहीं आया तो मैं लौट आया, विवेक वहीं रुक गया। पर पीछे से सपना भाभी ने अपने फैमिली वालों से सुलह कर ली, जो विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि विवेक ने अपने फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था सर। सर सपना भाभी के घर वालों ने विवेक को बहुत मारा था, जिसकी वजह से वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं था। तू ना मेरी बहन का लायक ही नहीं है, शक्ल देखिए अपनी, शक्ल देखिए अपनी, बोल। निर्मल छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? नहीं आप बीच में मत बोलिए। निर्मल ये मत भूलो कि पति है मेरे, प्यार करती हूँ मैं इनसे। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि तुम मेरे भाई हो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। सर विवेक सपना की फैमिली की वजह से बहुत डिप्रेशन में रहने लगा था, थोड़े टाइम बाद सब ठीक हुआ, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन इस बार विवेक लौटा तो सपना भाभी से बहुत नाराज था। उसे शक था कि सपना भाभी का कोई अफेयर चल रहा है। अफेयर था पता नहीं, और होगा भी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखिए इस वक्त विवेक गायब है, आप लोगों को कुछ भी आइडिया है कि वो कहाँ जा सकता है? सर पता नहीं, और विवेक भैया की गाड़ी बाहर नहीं है। गाड़ी? गाड़ी का नंबर दीजिए। MH 48। सर मैं गाड़ी की डिटेल्स निकलवाती हूँ। शर्मा जी पूरा घर अच्छे से चेक कीजिए। सर अंदर ये लैपटॉप मिला है, लेकिन इसमें पासवर्ड लगा है। सर पासवर्ड है जी। सर इसे मैं खोल सकता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। आप इसे 2-3 घंटे मेरे पास रहने दीजिए। 2-3 घंटे? हमारी आईटी टीम इसे 15 मिनट में खोल देगी, एविडेंस ऐसे ही नहीं दे सकते किसी को। चलो सर। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? उस लैपटॉप में तुम्हारे खिलाफ कुछ है क्या? अरे कोई चाय पिलाओ। सर ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए, एसिडिटी हो जाती है। शर्मा एक चाय का सुख है, वो भी मत लेने दो तुम। अच्छा ये बताओ विवेक के घर कुछ मिला? सर वो विवेक के घर उसका लैपटॉप मिला है, हमारी आईटी टीम उसे चेक कर रही है, हो सकता है शायद उसमें कुछ मिल जाए। तो ये विवेक इस बात से नाराज था कि उसकी पत्नी ने अपने मायके वालों से सुलह कर ली है। राइट सर, और इसी वजह से विवेक सपना पर शक भी करने लगा था। सर मैंने विवेक का फोन और गाड़ी की लोकेशन ट्रैक की है। विवेक की फोन की लोकेशन गाजियाबाद की तरफ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रही थी। सर मैंने ट्रैफिक कैमरास भी चेक किए, ये रही उसकी फुटेज। सर ये देखिए। लेकिन सर सन गार्ड डाउन होने की वजह से विवेक का फेस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सर ये विवेक ही है, ये देखिए उसके सोशल मीडिया पे मैंने चेक किया था, ये फोटो में विवेक ने एग्जैक्टली सेम शर्ट पहनी है जो यहाँ पे दिख रही है। सर विवेक की गाड़ी गाजियाबाद की तरफ जा रही है, और गाजियाबाद में सपना का भाई निर्मल भी रहता है, और ये निर्मल ने विवेक के ऊपर हमला किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विवेक निर्मल को मारने के लिए गाजियाबाद जा रहा हो? शर्मा ये गाजियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करो, और ये पर्सनली निर्मल को भी इन्फॉर्म करो। राइट सर। और पूजा तुम ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेट करके ये विवेक की गाड़ी को ट्रैप कराओ। जी सर।
क्या कह रहे हो सर आप? देखिए मैं सही कह रहा हूँ, आपके जीजा जी ने आपकी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया है और अब वो गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं। हमने गाजियाबाद पुलिस को अलर्ट कर दिया है, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखिएगा और हम लोग भी वहां पे पहुंच रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बताओगे? तुम्हारे भाई ने सबको मार दिया है यार, सबको, दीदी को, जिया को, रौनक को, बच्चों को मार दिया है उसने। कई भैया को पता तो नहीं चल गया हमारी शादी के बारे में? कहीं भाभी ने उन्हें सच तो नहीं बता दिया? अरे सच बता भी दिया होता तो कोई ऐसे मारता है अपने परिवार को? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, वो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। तुम एक काम, कौन है? जी मैं कांस्टेबल बाबा यादव। जी हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है पुलिस चौकी से, बस यही इन्फॉर्म करना था। थैंक यू सर। सर जिस समय ये मर्डर मिस्ट्री हुई उस समय सपना का फोन ऑन था और उसमें क्राइम सीन का सारा ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, ये आईटी वालों ने दिया। वेरी गुड, ठीक है। अरे पापा आ गए, बस एक लास्ट वीडियो बना दे। मम्मा यानी कि सपना। मतलब बच्चे डर कर भाग रहे थे, ये बच्चे को मारा। नानी उठो जल्दी, दरवाजे खोलो नानी। मतलब 11 बजे के आसपास की बात होगी तो दोनों बूढ़े नाना नानी सो गए होंगे। नानी उठो, क्या हुआ बेटा? नानी को भी मार दिया। नानी उठो, नानी उठो, क्या हुआ बेटा? ये नाना तो पैरालाइज था, ये बच्ची ने स्ट्रगल किया था। ये बच्ची ने लड़ने की कोशिश की थी इसलिए इस विवेक ने गुस्से में आकर बच्ची को मार दिया। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे ऐसे मार सकता है इतनी बेरहमी से। शर्मा एक काम करो, इस विवेक के सारे फोटोग्राफ्स पूरी मीडिया में और सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, ये बचना नहीं चाहिए। और तुम दोनों गाजियाबाद के लिए निकलो। राइट सर। एक बार ये विवेक हाथ लग जाए छोड़ूंगा नहीं इसे। मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर आप लोगों ने अपनी शादी की बात छुपाई क्यों? भैया निर्मल और उसकी फैमिली से नफरत करते थे, पर हमारा जॉब एक ही ऑफिस में लग गया था। वी फेल इन लव, हमने शादी की, पर सपना भाभी के अलावा ये सच किसी को नहीं पता था। लेकिन विवेक को ये बात पता चल गई। भैया को शक हो गया था कि भाभी ने सारे पैसे कहीं उड़ा दिए और उनका किसी के साथ अफेयर है। दीदी के मुंह से निकल गया था एक्चुअली। मायके वाला पड़ोसी यहां तक आ गया? कौन था वो, क्या दे रही थी तुम उसको? वो विवेक, मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे बस वही वापस। बोलो तुम, मैं सुंदर नहीं इसीलिए तुम उस हैंडसम लड़के के साथ चक्कर चला रही हो ना? अफेयर चल रहा है तुम्हारा, तुम छोड़ने वाली हो ना मुझे? नहीं विवेक, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने बस उससे पैसे उधार लिए और कुछ भी नहीं। बकवास, मैं तुम्हें अच्छे पैसे भेजता हूँ, फिर तुमको उधार लेने की क्या जरूरत पड़ी है? कैसे भरोसा करूं मैं तुम पे? वो मुझे निर्मल की शादी के लिए पैसे उधार लेने पड़े। निर्मल ने शादी कर ली? हाँ, वो भी घर वालों से छुपकर, लड़की दूसरी कास्ट की है हमारी तरह बिल्कुल सेम। उसने मुझसे हेल्प मांगी और बस मैंने उसकी हेल्प कर दी और कुछ भी नहीं। जिस लड़के ने मुझे मारा तुमने उसकी हेल्प की? पर थैंकफुली रिंकी यहाँ पे नहीं थी, वो अपने ऑफिस के ट्रिप पे बाहर गई हुई थी। जीजा जी चाय पीजिए ना। अरे भाई कब तक खुद चाय बनाते रहोगे, शादी वादी कर लो। बस थोड़ा सेटल हो जाऊँ तो फिर शादी ही करूँगा। सेटल नहीं हुए अभी तक। तेरी बहन तो बोल रही थी कि उसने शादी के लिए पैसे दिए तुझे, तूने शादी कर ली क्या? अपने क्यों बताया कि मेरी शादी की बात उनको क्यों बताई? उन्होंने मुझे
जतिन के साथ देख लिया था। उस टाइम कुछ समझ भी नहीं आया और मैंने ये बोल दिया। तुम्हारी बहन ने वो सारे पैसे कहाँ खर्च किए थे कुछ पता है? जीजा जी दीदी को बहुत पैसे बेचते थे। बाद में उनको लगा कि घर पे बैठने से अच्छा है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन वो कंपनी तो फ्रॉड निकली। और जतिन सर वो आदमी है जिससे दीदी ने पैसे उधार लिए थे। बाद में जतिन दीदी को परेशान करने लगा और दीदी ने जीजा जी के सारे भेजे हुए पैसे जतिन को देने लगी। लेकिन वो इसी वजह से मिल रहे थे, उनके बीच कोई अफेयर नहीं था सर। मतलब विवेक को पूरी बात पता नहीं थी? दीदी ने बताया जीजा जी को, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं हुआ और इस वजह से जिया की बर्थडे पार्टी पे वो नाराज ही थे। डांस मस्ती एंड सपना मैं आता हूँ। अच्छा आप दोनों बर्थडे पार्टी में गए थे? हाँ सर, पर एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं। मैं उसी दिन वापस आ गया था और रिंकी नेक्स्ट डे वापस आई थी। मतलब रिंकी आपके भाई ने वहाँ से आपका निकलने का इंतजार किया और उसके बाद उसने सारी फैमिली का मर्डर कर दिया। आपका भाई इस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, आपको थोड़ा भी अंदाजा नहीं हुआ? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि भैया ऐसा कर सकते थे, पर वो सबसे बहुत नाराज थे और मुझे लग रहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी, फैमिली से सुलह करा दूंगी। फैमिली से सुलह मतलब? एक दिन मैंने भैया को उनके घर से पिक किया था, हम दोनों सोनीपत गए थे अपने पेरेंट्स से मिलने। मैं चाह रही थी कि जब भाभी अपनी फैमिली के पास है तो भैया अकेले क्यों रहे। सोनीपत में सब कुछ ठीक था? हाँ सर, पहले नाराजगी थी फिर सब ठीक हो गया था। सोनीपत का एड्रेस दीजिए। हमने जतिन से बात की है सर, जतिन और सपना का कोई खास कनेक्शन नहीं था, बस यतिन ने सपना से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। इसका मतलब विवेक का अपनी पत्नी पर शक बेबुनियाद था। राइट सर। सर विवेक का लैपटॉप अनलॉक हो गया। सर ये देखिए इसमें एक वीडियो भी है, ऑन करो। सर सही कहता है, औरतों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी बीवी मेरी नहीं रही, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। उसने वो सब कुछ किया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऊपर से कहती है साथ उस पे हाथ डालता है। मैं सुंदर नहीं हूं ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। शादी करना गुनाह है क्या? इसका मतलब इस साध ने हमसे झूठ बोला है। उठाओ इसे। तूने सपना पे हाथ डाला था ना? तूने और विवेक ने मिलकर सबको मारने का प्लान बनाया था ना, और बाद में उसे भगा दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ वो अकेली थी, मैं चाहता था कि उसकी बीवी के साथ एक रात बिताऊं, ताकि मुझे फीलिंग ना आए कि उस जैसे बद्दे दिखने वाले आदमी की बीवी वफादार और मेरी नहीं। मैं बस सर इसलिए ट्राई मारता था सर। दोबारा छूने की कोशिश की ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ए, सदर नाटक किया ना तो विवेक की नौकरी छुड़वा दूंगा, फिर सड़क पे आ जाओगे सब लोग। गरीबी में रह लूंगी लेकिन अपने पति को कभी नहीं छोड़ूंगी, उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगी मैं, समझे तुम? ट्राई मारता था और विवेक अपने घर सोनीपत गया था, ये पता था ना तुझे? हाँ सर, उसने बताया था। उसके पेरेंट्स काफी खुश थे क्योंकि वो रिंग के दोनों वापस आ गए थे घर पे। पहले भाई से लड़ाई हुई थी क्योंकि पेरेंट्स ने कहा था कि वो बूढ़े हो गए और प्रॉपर्टीज के 3 हिस्से करना चाहते हैं। फिर बाद में वो मान गया सर। फिर वो लोग सर विवेक के डिवोर्स की बात कर रहे थे क्योंकि विवेक ने सपना के बारे में सब सच बता दिया था। लेकिन डिवोर्स देने के लिए एलिमनी लगती है जो वो देना नहीं चाहता था, इसलिए तुम लोगों ने मिलकर सबको मार डाला। सच है ना ये? बोल। इस पूरे केस में विवेक ही प्राइम सस्पेक्ट था और वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर था। पर पुलिस को इस केस के कई और पहलू मिले, जैसे निर्मल और रिंकी की शादी, सपना का बिजनेस लोन लेना, शाद का सपना को छेड़ना और यहाँ तक कि विवेक का अपने परिवार से फिर से सुलह करना। जहाँ पुलिस एक क्राइम की गुत्थी में उलझी हुई थी, पर इसी बीच पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने इस केस को अलग ही मोड़ दे दिया था। शर्मा सोनीपत चलना पड़ेगा। सर विवेक की गाड़ी मिल गई है और उसकी डिक्की में उसकी बॉडी भी है। विवेक की बॉडी? जी सर। सर कार में फोन मिला है, बैटरी डेड है इसकी। ठीक है, सबको फोरेंसिक लैब में भेज दो। जी सर। 5-5 मर्डर का सस्पेक्ट या खुद मरा पड़ा है, ये बॉडी देखकर तो ऐसा लगता है कि मरे हुए भी 2-3 दिन हो चुके हैं इसे। सर मुझे लगता है कि कोई इसका हमशक्ल है जिसने इसकी पूरी फैमिली का मर्डर किया और उसके बाद मौका पाते ही विवेक का मर्डर कर दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि
किसी और ने उस बच्ची को इतनी बेरहमी से क्यों मारा होगा। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, जरा आसपास देखो, पता करो कुछ पता चलता है क्या, और उसके फोन को ट्रैकिंग पे डालो और उसकी लोकेशन से पूरी एक्टिविटी पता करो। क्या? ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। मैंने सभी सस्पेक्ट के बैंक स्टेटमेंट चेक करवाए थे सर। ये सपना ने पूरी फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस करा रखा था, लेकिन अभी अभी इस निर्मल ने इन सभी के इंश्योरेंस का क्लेम किया है। और ये इंश्योरेंस कितने का था? तीनों का मिला के तकरीबन 25 लाख। 25 लाख? शर्मा, हो सकता है इस निर्मल ने ही इस इंश्योरेंस के पैसे के लिए सबका मर्डर किया हो। उसके दिमाग में शायद आइडिया आया होगा अपने जीजा का वीडियो देखने के बाद। गाजियाबाद पुलिस को फोन करो और इस निर्मल और इस रिंकी को उठवाओ। हाँ सर, विवेक यहाँ आया था और रिंकी भी। तुम दोनों भाइयों की लड़ाई हुई थी? हाँ हुई थी सर, जब विवेक ने मुझे बताया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बाहर कहीं मुंह मारती है, तो मैंने उसे माफ कर दिया। ये दोनों 15 साल पहले आपको छोड़कर चले गए थे, मैंने आप दोनों का ध्यान रखा है, भूलिएगा मत, और प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे। वाह, मैं नहीं होने दूंगा। भैया लोगों को हिस्सा मिल रहा है तो मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। एक और हिस्सेदार आ गई, अब खैरात बटाई ना यहाँ पर। और फिर विवेक मेरे पास आया। अरे चला जाए यहाँ से, दिमाग खराब है मेरा। मुझे पैसा नहीं चाहिए भैया, आप मेरा हिस्सा रिंकी को दे दो, मुझे तो बस मेरा परिवार वापस चाहिए जो मैंने अपनी पत्नी की वजह से खो दिया था। सुंदर नहीं हूँ ना मैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जिया मेरी बेटी नहीं है भैया। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? ये देखो भैया, जिया का रंग कितना गोरा है, ना सपना की फैमिली में और ना हमारी फैमिली में कोई इतना गोरा। मेरे साथ धोखा हुआ है भैया, मेरे साथ धोखा हुआ है भैया। मतलब विवेक को लगता था कि जिया उसकी बेटी नहीं है? जी शर्मा, ये विवेक और जिया का डीएनए आपस में मैच करा के देखो। ठीक है सर, लेकिन सर सवाल अभी भी वही है, आखिर विवेक को किसने मारा? शर्मा, इस गगन पर नज़र रखवाओ, इसकी कॉल डिटेल्स भी निकालो, हो सकता है इमोशन में आकर इस गगन ने प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए हाँ कर दिया हो, लेकिन असल में प्रॉपर्टी शेयर करना इतना आसान नहीं है। राइट सर। जैन सर, निर्मल और उसकी वाइफ को ले आए। निर्मल बाबू, नया घर नई कार, लेकिन शादी के बाद तुम में से एक की जॉब चली गई, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में नो स्पाउस पॉलिसी जो है। अब शादी के बाद खर्चे तो बढ़ गए लेकिन इनकम कम हो गई, ऐसे में अगर 25 लाख रुपए मिल जाएं तो क्या ही बात है। भैया मुझे खुद अपना हिस्सा देने वाले थे सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तुम पूरे परिवार के मरते ही इंश्योरेंस क्लेम कर दो और हम तुम लोगों पर शक भी ना करें। तुम लोगों के पास अपने परिवार को मारने का मोटिव था। शर्मा, इन दोनों की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी निकालो। सर सर, सभी फैमिली मेंबर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। सभी की मौत रात में 11:30 से 1:30 बजे के बीच 5 से 6 अगस्त को हुई है। रौनक को तकिए से दम घोट के मारा गया, बाकी के लोगों को स्टैबिंग की गई थी, लेकिन जिया को पहले सर पे रॉड से मारा गया और उसके बाद उसे स्टैब किया गया। और सर, मैंने जिया और विवेक की डीएनए रिपोर्ट भी चेक की, जिया विवेक की बेटी थी। ये विवेक गधा, इसका शक बेबुनियाद निकला, रंग देखकर शक कर गया, सब कुछ खत्म कर दिया बेवकूफ ने। राइट सर। और एक और इम्पोर्टेंट बात सर, विवेक की मौत 5 अगस्त को सुबह 9:00 से 11:00 बजे के बीच में ही हो गई। क्या, 5 अगस्त की सुबह उसकी मौत हो गई? मतलब उसकी फैमिली को और ससुराल वालों को विवेक ने नहीं मारा। सारी घटनाओं को रीअरेंज करते हैं, 4 अगस्त को विवेक ने एक वीडियो बनाया जो काफी वायरल हुआ, उसके बाद 5 अगस्त को विवेक गाड़ी लेकर घर से निकला और पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसका मर्डर हुआ।
और फिर उसी दिन शाम को उसकी पूरी फैमिली को किसी ने मार दिया। इसका मतलब किसी ने पहले विवेक को मारा, फिर उसकी पूरी फैमिली को। शर्मा एक काम करो, मेरठ से लेकर निवाड़ी, गाजियाबाद, सोनीपत सारे मूवमेंट्स ट्रैक करो, विवेक का मोबाइल यूज करो। अब हमें यह पता लगाना है कि इन सबका मर्डर किया किसने है, क्यों। राइट सर। ये विवेक की गाड़ी में कुछ मिला? सर कुछ खास नहीं, बस उसमें एक कचौड़ी का टुकड़ा मिला है सर। हाँ, और वो मच्छर का ब्लड उसका क्या हुआ? सर उसमें ब्लड काफ़ी कम है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन लैब ने कंफर्म किया है कि उसमें ह्यूमन ब्लड है। शर्मा कचौड़ी पे अगर कुछ मिलता है तो उसका डीएनए मच्छर में मिले ब्लड के डीएनए से मैच करके देखो, शायद कोई रिजल्ट आए। उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। राइट सर। माँ बाबूजी देखिए ना, देखिए क्या कर रहे हैं। गगन बेटा, गगन कहाँ जा रहे हो तुम? हट जा माँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ में, आप सबके सब मेरे दुश्मनों, समझे? गगन अगर ऐसे बीवी को छोड़ के जाओगे तो सारी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम कर दूंगा। सर ये विवेक 5 तारीख की सुबह अपनी कार से निवाड़ी से मेरठ की तरफ निकलता है और उसके बाद इसकी कार उसी रात को निवाड़ी में नजर आती है। तो ये विवेक की कार वापस रात को निवाड़ी में कौन लेकर आया होगा? तुमने निवाड़ी में बाकी जितने लोग थे उनकी मूवमेंट ट्रैक की? हाँ सर, लेकिन निर्मल ने 4 तारीख की रात में ही बर्थडे पार्टी छोड़ दी थी और उसकी बीवी रिंकी 5 तारीख की शाम को गाजियाबाद के लिए निकली थी और उसके बाद निर्मल और रिंकी ये दोनों गाजियाबाद में मिले, एक ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में कंफर्म भी हुआ है। और सर ये विवेक का बड़ा भाई गगन, इसकी कार 5 तारीख की सुबह 5 बजे सोनीपत टोल नाका क्रॉस करती हुई दिख रही है और उसके बाद यही कार अगले दिन सुबह 6 तारीख को वापस आती हुई भी दिखी है। मुझे लगता है कि गगन और विवेक दोनों ने मिलकर सबको मारने का प्लान किया होगा, फिर ये दोनों भाई निकले और गगन के मन में लालच आ गया तो उसने पहले विवेक को मारा और बाकी सब परिवार को भी मार दिया। गगन हमने तेरे CDR चेक किए हैं और 24 घंटे में पूरे 40 कॉल्स हुए हैं, वो भी सिर्फ 10-10 सेकंड के। शर्मा जरा बताओ 10 सेकंड्स में आदमी क्या क्या बातें कर सकता? वो घर पे नहीं है, तुम बाद में कॉल करना। अब सवाल ये है कि वो कॉल किसने रिसीव किए, आपने या फिर आप दोनों में से किसी ने? हाँ मैंने अटेंड किए थे, उस दिन सारे कॉल्स का जवाब भी मैंने ही दिया था। हाँ सर ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, उस दिन 5 तारीख को पूरा दिन ये घर पर ही थे, थक गई हूँ तुमसे मार खाते खाते। गरीब थी इसलिए मेरे मामा जी ने मेरी शादी तुम जैसे राक्षस से करवा दी, ये सोच कि कम से कम पैसे तो हैं। लेकिन अब इस घर के और दुकान के 3 हिस्से होंगे, क्या आएगा हमारे हिस्से में बोलो? अरे चुप कर कमीनी, तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है ये, समझी? तुम्हारे बाप की तो है ना, क्या मिला मुझे तुमसे शादी करके बोलो? तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी जबान पर पट्टा दादाजी बंद करता दादाजी। यार बाद में बात करता हूँ, हाँ मैसेज कर दे। उस दिन मुझे बहुत माइग्रेन, मैंने दवाई खाई और सो गई, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। साजी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ए, तेवर नीचे रख, वो नहीं फंसा रही है, तेरी गाड़ी ने तुझे फंसाया है, वो तेरी गाड़ी ट्रैफिक के कैमरा में रजिस्टर हुई है, समझा? सर गाड़ी बाहर खड़ी थी उस दिन, किसी से पूछ लो, वो देख लीजिए बाहर पार्क है, लगता है कोई फंसा रहा है हमें। गाड़ी का कवर निकालो। हंड्रेड परसेंट वही गाड़ी है सर। शर्मा ये फैमिली अपने इकलौते बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है, एक काम करो अरेस्ट करो इसे और इस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी डालो, एविडेंस तो है हमारे पास, और इसकी पूरी फैमिली पे नजर रखो। सर ये लांबा हाउस का CCTV फुटेज है जो हाईवे से बिल्कुल कनेक्टेड है। ये वाइट गाड़ी लांबा हाउस में एंट्री कर रही है और उसके 15 से 20 मिनट बाद गगन की गाड़ी वापस आती हुई दिख रही है, और ये अगले दिन का फुटेज है, ये गगन की गाड़ी दोबारा से लांबा हाउस में एंट्री कर रही है और वही वाइट गाड़ी जिसने उस दिन एंट्री की थी वो वापस आती हुई दिख रही है। सर हमें जो मच्छर मिला था उसकी ब्लड रिपोर्ट गगन से मैच नहीं करती है, लेकिन सर जब हमने उस मच्छर का DNA प्रोफाइल निकाला तो वो प्रोफाइल पार्शियली प्रिया के साथ मैच करता है। प्रिया से मैच करता है,
प्रिया का कोई रिलेटिव है? जी सर, एक मामा है जिसने उसे पाला पोसा है, उसका नाम है बंसी हुडा। बंसी हुडा, अच्छी तरह चेक कर लो। शर्मा जी उठाइए दोनों को। क्या हुआ सर, क्या कर रहे हैं आप? क्या किया मैंने? गगन के घर में जो गाड़ी है ना वो तुमने ठीक की थी, वो तुम्हारे क्लाइंट की गाड़ी थी, तुमने ही विवेक की पूरी फैमिली का मर्डर किया, समझे? और कार में जो कचौरी का टुकड़ा मिला था ना, उस कचौरी के टुकड़े में इस बंटी का डीएनए मिला है। बहुत शातिर प्लान बनाया था ना तूने, मर्डर करते वक्त तुझे एक मच्छर ने काटा और तूने उस मच्छर को मार डाला, वो मच्छर हमें मिला और उसमें तेरा ब्लड। अब बोल बेटा। प्रिया कल के दिन गगन घर से बाहर ना निकले, खासकर गाड़ी ड्राइव ना करे। ठीक है मामा जी। अरे विवेक जी, मैं प्रिया का मामा, यहाँ किसी काम से आया था। अरे मैं आपको कहीं छोड़ दूँ क्या मामा जी? बेटा अगर स्टेशन छोड़ दो तो बहुत कृपा होगी, आइए ना। बंटी सुबह ये गाड़ी लेके निकल जाना और दिल्ली की तरफ जाके डंप कर देना। समझ गया सेठ जी। चल बैठ। पापा आ गए। हम लोग गरीब थे साहब, प्रिया बहुत सुंदर थी इसलिए उसकी शादी गगन से हो गई, लेकिन गगन सुंदर नहीं था इसलिए उसको ऐसा लगता था कि कहीं प्रिया उसको छोड़ के ना चली जाए, इसलिए उसको बहुत तकलीफ देता था साहब। लेकिन ये लोग पैसे वाले थे, प्रॉपर्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जाने दो। लेकिन एक दिन अचानक गगन का छोटा भाई और बहन प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए आ गए साहब। अरे मार खाए मेरी बच्ची साहब, और प्रॉपर्टी का हिस्सा ये लोग आपस में बांट लेंगे। फिर मैंने वो विवेक का वीडियो देखा और तुरंत दोनों भाइयों को फंसाने की चाल मेरे दिमाग में आ गई साहब। तुम्हारी भांजी के साथ गलत हो रहा था, उसका बदला लेने के लिए तुमने 6-6 निर्दोष लोगों को मार डाला, और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि तुम्हारे साथ साथ वो तुम्हारी भांजी भी जेल जाएगी तुम्हारे क्राइम में सहयोग करने के लिए। बंसी क्रिमिनल नहीं था, पर गगन के बर्ताव की वजह से अपनी भांजी को सुखी देखने के लिए उसने 6 लोगों को मार दिया। याद रखिए, जिंदगी में हमें धोखा, झूठ, फरेब सब मिलेगा, पर अगर हम उसके चलते गुस्से, बदले और नफरत की भावना को अपने आप पर हावी होने देंगे तो हमें भी एक आम इंसान से क्रिमिनल बनते देर नहीं लगेगी। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।